लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद राजनीतिक घमासान काफी तेज हुआ है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि हादसा नहीं है बल्कि साजिश थी। विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग पर लगातार अड़ा है। अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र इस पूरे केस पे आरोपी और आज इस मुद्दे पर संसद में हंगामे की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज का दिन हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष ने 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन और लखीमपुर खीरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। लखीमपुर मामले पर विपक्ष ने संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो फौरन अपनी कैबिनेट से इस मंत्री को हटाएं। हम अपनी पार्टी की तरफ से जरूर इस पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएंगे। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर आज सदन में मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे लेकर फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम दो हमारे दो उठाने नहीं देंगे, चार लोग उठाने नहीं देंगे। लखीमपुर खीरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा, नहीं हो सकता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने जेल में बंद अपने बेटे आशीष मिश्रा से मुलाकात की। आशीष मिश्रा किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने की घटना में आरोपी हैं। दरअसल लखीमपुर को लेकर ये राजनीतिक घमासान एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर शुरू हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लखीमपुर खीरी की घटना हादसा नहीं बल्कि सोच समझ कर की गई वारदात थी। एसआईटी की तरफ से जांच अधिकारी ने सीजेएम कोर्ट से नई धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। इनमें आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के लिए हमले का आरोप, आईपीसी की धारा 326 यानी जानबूझकर घातक हमले करने का आरोप, आईपीसी की धारा 34 यानी साझा मंशा से अपराध करने का आरोप और आर्म्स एक्ट की धारा यानी 3/25/30 के तहत आरोप शामिल। यानी अब दुर्घटना की जगह जानबूझकर हमले का केस चल सकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग की। ये जांच के बाद साबित हो गया है कि मंत्री और उनके बेटे ने साजिश की थी। अब सरकार को और बीजेपी के लोगों को ये दबाव बनाना चाहिए कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, हटाए जाएं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। इस केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूरे मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।